जय श्री कृष्णा माय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस नए लोग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। फ्रेंड्स, आज संडे का दिन है, मैं अपने मम्मी के साथ गोवर्धन इको विलेज घूमने आया हुआ हूं। ये वाड़ा में पड़ता है, इस्कॉन में ये पूरा मंदिर लगभग 100 एकड़ के एरिया में बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे अपने कृष्ण भगवान जी के मंदिर हैं, आप भी यहाँ पर ज़रूर आइए। और इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें, मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ तक कैसे आना है, आप शेयरिंग ऑटो से कैसे आ सकते हैं या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग की क्या सुविधा है और फिर यहाँ पे खाने पीने का क्या सुविधा है, यहाँ पे रहने की भी सुविधा है। तो ये सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो आप अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। यहाँ पे बहुत ही बड़ी पार्किंग है, कार या बाइक आप लेके आते हैं, अगर आप बस से भी आते हैं तो बहुत ही बड़ी पार्किंग है, बिल्कुल फ्री है, तो कोई आपको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे चार्जेस कुछ भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, समझ रहे हैं आप, मतलब सिर्फ खाने का, वो भी लंच टाइम में आपको खाने का सिर्फ चार्ज पे करना होता है 100 रुपये, बाकी आपको सुबह का नाश्ता प्रसाद के रूप में फ्री में मिलता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी बड़ी पार्किंग है, देख रहे हैं आप, बहुत ही बड़ी पार्किंग है, और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है, ठीक है। बस खाने का दोपहर में 100 रुपये का आपको कूपन लेना पड़ता है, बाकी सारा यहाँ पर सुविधा फ्री में, ठीक है फ्रेंड। चलिए अंदर चल के देख। फ्रेंड्स, अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, देखिए यहीं जैसे आप यहाँ से अंदर आते हैं आपको लेफ्ट साइड में एक मंदिर दिखेगा और राइट साइड में आपको कैंटीन दिख जाएगा। आपने सबसे पहला पता है क्या काम करना है, आपको सबसे पहला काम करना है जो मंदिर के नीचे ऑफिस है वहाँ पे जाना है, और यहाँ पे ना फ्री गाइड टूर होता है, पूरे यहाँ पे जो जितने भी मंदिर हैं सबका एक गाइड टूर मिलेगा आपको। तो उसके लिए क्या ना आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो 9:30 बजे रजिस्ट्रेशन काउंटर चालू हो जाता है। इनका ऐप स्टोर पे ऐप भी है, लेकिन वो नए एंड्रॉयड वर्जन के लिए डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो सबसे अच्छा ये है कि हम 9:30 बजे जाके काउंटर से अपना बुकिंग करवा लें, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला काम आप बुकिंग का ही करवाएं। अभी सबसे पहला जो 9:30 बजे मैंने बुक किया है, तो 10 बजे का मुझे टूर मिला है, तो अभी मैं 10 बजे के टूर के लिए आगे जाऊंगा, गेट पे खड़ा रहूंगा। तो जैसे ही प्रभु जी आएंगे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सभी दूसरे को प्रभु जी बोल के ही बुलाते हैं, तो मैं भी उन्हें प्रभु जी बोल के ही बुलाऊंगा, ठीक है। तो प्रभु जी आ जाएंगे वहाँ पे गेट पे, फिर जो रेन फॉरेस्ट बोलते हैं उसे, तो पूरा वो रेन फॉरेस्ट में जितने भी अलग अलग मंदिर हैं वो सारे हमें विजिट करने का मौका मिलेगा। और आप देख सकते हैं ऊपर में ही यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे भी है, छोटा तो अच्छा मंदिर है, बड़ा ही मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ भी एक मंदिर है, तो अभी मैंने बुकिंग करवा लिया, मेरे पास अभी 20-30 मिनट हैं, तो फिलहाल मैं ये मंदिर घूम के आता हूँ, चलिए आपको भी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ तक आना बहुत ज़्यादा आसान है, गूगल मैप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, तो आपने बाइक या कार से गूगल मैप के भरोसे यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। अगर आपके पास बाइक या कार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ट्रेन पकड़ के पालघर के रेलवे स्टेशन तक आ जाइए। पालघर आने के बाद वहाँ से आपको बहुत सारी ऑटो या फिर टैक्सीज मिल जाएंगी। अगर मैं टैक्सी की बात करूँ तो 150 रुपीज़ प्राइस है पालघर स्टेशन से टैक्सी का, वो आपको डायरेक्ट वृंदावन तक लेके आएगा। वहाँ पे एक हो सके अगर आपको ना मिले थोड़ा देर वेट करिए, क्योंकि संडे के दिन क्या होता है ना, बहुत सारे मतलब पब्लिक वहाँ पे आती है, बहुत सारा टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं गोवर्धन इको विलेज के लिए, तो आपको बहुत सारे वहाँ पे शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी, तो जो डायरेक्ट आपको यहाँ तक लेके आए। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ तक लाने वाली टैक्सी नहीं मिल रही है तो आपको सबसे पहले मनोहर नाका तक आ जाना है, वहाँ से फिर आपको गोवर्धन इको विलेज के लिए टैक्सी मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चप्पल बाहर उतारिए, चप्पल एकदम बाहर 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 ये चप्पल। फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये स्वामी प्रभुपाद जी हैं, इन्होंने ही इस्कॉन की स्थापना किया था, और इनके जस्ट सामने ही मंदिर बनाया हुआ है। बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल है, और यहाँ पे आप देखो बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पे आप बैठ के प्रार्थना भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वो देवी जी प्रार्थना कर रही हैं। फ्रेंड्स, इस मंदिर का नाम जैसे कि प्रभु जी ने बताया राधा वृंदावन विहार नाम है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, देख सकते हैं पूरे मंदिर के साइड में इस तरह से पूरा पैसेज है, आप यहाँ पे आके फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। अच्छा मंदिर है, वैसे देखो बहुत सुंदर मंदिर है। फ्रेंड्स, मंदिर से बाहर निकलते हैं, हमें फ्री में प्रसाद मिल गया, इसे आप खिचड़ी बोल सकते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स इसमें मिक्स हैं। तो आपको अगर सुबह सुबह अगर आते हैं, अगर आपको नाश्ता नहीं किया हो आपने, तो यहाँ पे आकर फ्री में नाश्ता भी आप कर सकते हैं। हमने सुबह का जो प्रसाद था नाश्ता वो कर लिया है, और यहाँ पे गेट पे आके खड़े हो चुके हैं, तो प्रभु जी यहाँ पे 10 बजे टूर स्टार्ट करेंगे, फिर हम अंदर चलेंगे और पूरा जो रेन फॉरेस्ट में जो अलग अलग मंदिर बनाए हुए हैं कृष्ण भगवान जी के, वो सारे दर्शन करेंगे, उनकी वो जानकारी हमें देंगे कि वो मंदिर कहाँ पे, सच में वो मंदिर कहाँ पे है, उसकी क्या हिस्ट्री है,
ठीक है, तो चलिए चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, टूर स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए प्रभु जी हैं, ये यहाँ की सारी जानकारी देंगे हमें, इनके पीछे चलते हैं। तो सात मंदिर है अंदर, उनका ही दर्शन करेंगे, यमुना जी का दर्शन होंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा है जो वृंदावन है, ऐसा एज इट इज करने की कोशिश की है, ये प्रति वृंदावन है। तो हम जो जो लीला स्थली है वहाँ जो है उनका महत्व हम कहेंगे, उसके बाद आखिर में गिरिराज जी की परिक्रमा और ये दो मंदिर है सात मंदिर में से, वो हम यही आएंगे। तो इसलिए अभी तो ये नहीं कह सकते क्योंकि गीला है तो हम चप्पल डाल के जा सकते हैं, नहीं तो हम चप्पल सबकी इधर निकालते थे। तो आइए शुरू में हम जाएंगे मथुरा। बोलो मथुरा धाम की जय। तो देखो भगवान का जन्म अभी आप देखेंगे तो हमारा जैसा जन्म नहीं होगा ना, अगर नॉर्मल होता ना तो चप्पल काटे अगर परवा नहीं होता। अभी अंदर मत जाए, बाहर से ही दर्शन कीजिए। भगवान कहते हैं शुरू में अभी शिशु यानी लाला, लेकिन असल में वो चार हाथ करके विष्णु रूप में प्रकट हुए थे। तो वो कह रहे हैं कि हाँ काराग्रह में सिर्फ उसी हम जब गांव में रहते हो तो हर गांव में का शिव जी का मंदिर रहता है, वो क्या मतलब वो ग्राम की रक्षा करता है, ग्रामपाल कहते हैं। वैसे यहाँ शिव जी है ब्रज में पांच, उनमें से अभी दर्शन करेंगे हम भूतेश्वर महादेव, ये धाम की रक्षा करते हैं। तो हम पहले उनका दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमारी परिक्रमा के लिए वो क्या आशीर्वाद देंगे। तो हमारी परिक्रमा ये जो है विश्राम घाट, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था गोकुलवासी के साथ, यही विश्राम किया था, ये विश्राम घाट है। और ये जो है भूतेश्वर महादेव, ये जो है भूतेश्वर, नहीं रहने दो कोई चप्पल थोड़ा। मैं जहाँ तक खड़ा हूँ यहाँ तक, ये जो है मथुरा है और ये वसुदेव महाराज लाला को लेके जा रहे हैं गोकुल। तो वो जैसे अभी यमुना पार करेंगे गोकुल, ये गोकुल में वो प्रवेश हो जाएगा। अभी हम जाएंगे यमुना मैया। बोलो यमुना मैया की जय, गोकुल धाम की जय। क्योंकि जो कोई यमुना मैया का दर्शन करता है उसे कोई यमराज है वो दर्शन नहीं देते, इसलिए यमराज का जो दर्शन बचने के लिए उनसे क्या बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए। स्थान है मेरे पीछे है ब्रह्मांड घाट, आगे जो है मेरे सामने वो जो है 84 खंबा का मंदिर, यानी कि जो है नंद बाबा उनका बालक हो भवन को। तो 84 खंबा का यानी किसने विश्वकर्मा ने बनाया हुआ है। और हम आगे थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, वहाँ जो है दामोदर लीला हुई उस स्थान है, यानी उखल बंधन लीला वो देखेंगे। बाजू में है रमन रेती तो वो भी देखेंगे। तो हम यहाँ यमुना जी का पहला दर्शन हो रहा है, तीन बूंद हम स्नान करेंगे, उसके बाद दो मिनट के लिए वो कथा बताएंगे हम। तो आइए आगे आइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आइए। बाकी जिनको जाने की जरूरत नहीं, वैसे चप्पल डाल के मत जाओ, फिसल जाएगा, और चप्पल डाल के जाना ठीक नहीं है। इसलिए बैठने के लिए अच्छी जगह थी कथा के लिए, लेकिन जो अभी सुबह सुबह भोर में बारिश हुआ है इसी की वजह से हम यहाँ खड़े खड़े ही कथा कहेंगे। अभी ये जो स्थान है बीच में स्थान है, यानी कि आजू बाजू में जो गोकुल है असल में वो नंद बाबा का जो है भवन। मैंने नहीं मिट्टी खाई तब क्या माँ ने कहा मुंह खोलो, तो मुंह में क्या दिखाई दिया उनके मुंह में, पृथ्वी और पूरा संसार, हाँ पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी आती है, यानी कि सब कुछ वो दिखाई दिया। यशोदा माई ने खुद को ही देखा, तो ये जो है इतने बड़े यानी ब्रह्मांड है, ऐसे एक नहीं, तुकाराम महाराज कहते हैं अनंत ब्रह्मांड उदरी बालक आनंद करे, तो एक ही नहीं हजार ब्रह्मांड उनके अंदर रहते हैं। तो ऐसे क्या बोल रहे, रो रहे, क्या बोल रहे हैं मुझे खाना दो, तो वो उनकी लीला है, क्योंकि वो सबके यानी कि
पृथ्वी जाने तृप्त के लिए अशी यशोदा भोजन गाली, जो चीटी है कन भर के लगता है उनको, और हाथी को कितना एक टनों से ज्यादा है, ऐसा टन लगता है यार, एक मन से भी ज्यादा। हाँ तो अभी सबका पेट भरते है, लेकिन खो क्या रहे, रो रहे, बोल रहे मुझे खाने को दे दो। तो ये लीला है भगवान की। ये देखो यहाँ जो रास लीला हुई है, जो हम अभी कर चुके आश्विन महीने में, क्या है वो नवरात्र। तो नवरात्र का तो देखो भगवान, आपने कहा अभी कि क्या कर रहे हैं भगवान, अनंत ब्रह्मांडे उदरी यानी ब्रह्मांड के नायक है, फिर भी क्या सेवा कर रहे हैं अपने पिता की, वो क्या कर रहे हैं पिता की सेवा कैसे कर रहे हैं, उनके जूते चप्पल उठा रहे हैं। तो ये जो है भगवान सिखाते हैं हमें कि माँ बाप की सेवा करना चाहिए, और कितने बड़ा हो तो भी छोटी से छोटी सेवा भी वो सेवा है। तो इसलिए जो लीला है, हर लीला हमें कुछ ना कुछ सीख देती है। तो आए आगे आइए, ये देखिए एक्सचेंज लीला। यहाँ वसुदेव महाराज आए लाला को लेके, कृष्णा को लेके, और वहाँ किनके घर आए, नंद बाबा के घर। वहाँ यशोदा मैया सोई हुई है, उनको उनके जो है ना बेटी हुई है, तो क्या किया वो बेटी को लिया और वो चल रहे थे कहाँ, मथुरा। मथुरा को कंस के पास दिया, बोल रहा है कि बेटी हुई, तो बोल रहा है उनको क्या बेटी हुई बेटा हो कोई फर्क नहीं। उन्होंने पाँव पकड़ा ऐसा पटक दिया, ऐसा घुमाया, और पटकने वाले थे तो हाथ से छूट गई। तो ऊपर जाके वो क्या दुर्गा का रूप दिखाया, बोल रहे मूर्ख कंस तुम मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा ही गोकुल में पैदा हुआ है। तब उसको डर सताने लगा, शुरू किया उन्होंने क्या एक एक आसुर भेजने को। तो ये जो है भगवान अभी क्या कर रहे हैं, तो हम आगे आगे देखेंगे। उससे पहले यहाँ जो नामकरण हुआ है कृष्ण और बलराम का नामकरण, तो ये कहा हुआ है आईएमपी बात, यानी महत्व की बात ये है कि गौशाला में हुआ है। तो देखो ये गर्गाचार्य जो है, गर्गाचार्य मुनि यहाँ भी नामकरण के लिए आ रहे हैं। नंद बाबा है, यशोदा मैया है, और रोहिणी माता है। तो ये जो है गौशाला में हो रहा है। तो हम कहा बैंक्वेट हॉल फाइव स्टार उधर करते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं भगवान दिखा रहे हैं कि गौशाला जो जगह है दुनिया में सबसे पवित्र जगह है, यहाँ कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। तो कई कई लोग देखे अभी।